हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है सुबह की, और ट्रेड्समैन चार्जमैन डॉट्समैन का फाइनली एडमिट कार्ड आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको आज से 10-15 दिन पहले ही वीडियो बना के बता दिया था कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, 2-3 तारीख से स्टार्ट होगा लगभग, तो वही डेट एग्ज़ाम का आ चुका है और एडमिट कार्ड फाइनली आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं मोबाइल से, और जो बोला था वही हुआ है भाई साहब। चाहे वो कोस्ट गार्ड की बात कर ले, चाहे नेवी की बात कर ले, इसमें जो भी मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ वही हो जाता है अधिकतर चांस में। तो बाकी आप समझ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं डाउनलोड कैसे करना है। मोबाइल से ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी पता चले, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चला है अभी तक। ओके, कैसे डाउनलोड करना है सारा कुछ बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेके चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये edcdec.in, राइट, ये डियर एप्लीकेंट हॉल टिकट ऑफ INCET 1/2023 इज पब्लिश एट आई, ये है आपका वेबसाइट, राइट, ये देख सकते हैं। काइंडली डाउनलोड द सेम बाय लॉगिन, ये आपको यहाँ से कर लेना है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके भी मैसेज आ गया होगा रात को ही, ये देख सकते हैं 11:30 बजे रात में मैसेज आया है, और ये मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। तो इस पर आपको सीधा कुछ करना नहीं है, क्लिक कर देना है, राइट। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यूट्यूब पे सटीक जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सकते हैं हम आ चुके हैं वेबसाइट पर, और जैसे ही हमने ये किया तो प्रिय अभ्यर्थी आप हेडर ऊपर दिए गए लिंक से नमूना मॉक टेस्ट तक पहुंच सकते हैं, ये दे रखा है। और यहाँ पे फॉर डाउनलोडिंग कैंडिडेट डाउनलोड द हॉल टिकट टू नो योर एग्जाम सिटी, डियर कैंडिडेट यू कैन नाउ ऑल एक्सेस द सैंपल मॉक टेस्ट। सैंपल मॉक टेस्ट भी आपको दिया गया है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो लिंक पर आपको सीधा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर जो लॉगिन वाला है ना, इस पर आपको क्या कर लिया है, और यहाँ पे सीधा सीधा आप कैप्चा फिल करेंगे, और कैप्चा जैसे ही डालेंगे तो कैप्चा फटाफट डाल देते हैं। कैप्चा फिल करके जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, ये सब देखा है, इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो आपके सामने आ जाएगा। ग्रुप सी पोस्ट है, एप्लीकेशन सबमिटेड अगर आपका है तो दिखाई देगा ही, और यहाँ पे अपना एप्लीकेंट भी देख सकते हैं, मतलब कि आपने जो फॉर्म भरा था वो देख सकते हैं, और यहाँ से आप डाउनलोड हॉल टिकट यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं फाइनली इंडियन नेवी सिविलियन जो टेस्ट है उसका जो एडमिट कार्ड फाइनली आ चुका है, सिविलियन का, ट्रेड्समैन डॉट्समैन और आपका जो चार्जमैन का, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब कि यहाँ पर नौसेना मुख्यालय रक्षा मंत्रालय की तरफ से, ये देख सकते हैं भारतीय नौसेना और सैनिक प्रवेश परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र यह जारी किया गया है। यहाँ पे ट्रेड्समैन मैट के लिए पोस्ट अप्लाई किया गया था, यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह दिया होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा, और यहाँ पे आपको DOB जो दे रखा है वो आपका होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे नाम वगैरह सब आपका डिटेल्स दिया होगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा जो फ़ोटो आपने लगाया होगा, और सेम फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है, बट आपको यहाँ पे नहीं चिपकाना है, जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वहीं पे सेंटर पे। एग्ज़ाम सिटी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे पटना दिखाई दे रहा है, और जो दे रखा है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल जो आएगा, मतलब कि किस सेंटर में पढ़ा है, वो 72 आवर्स पहले आपका आ जाएगा, राइट। तो ये वाला और वो वाला दोनों लेके जाना होगा, यही सिर्फ लेके मत चले जाइएगा पटना ऐसे ही, तो 72 घंटे पहले आपका आएगा। ओके, तो किस तारीख को क्या है वो सारा कुछ मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट एंड स्लॉट कोड दे रखा है, मॉर्निंग A1 में है, राइट, A1 में है, 3 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने बोला था 2 या 3 से स्टार्ट होगा, और टेस्ट टाइम जो दे रखा है 8:45 से 10:15 तक, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है और क्लोजिंग टाइम 7:30 बजे है, तो ये देख सकते हैं। और शीट आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह ये सारा कुछ दे रखा है यहाँ पे। ओके,
ये जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, INCET परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त होना पूर्ण रूप से अंतिम है और भारतीय नौसेना द्वारा निर्देश पत्र ये पढ़ना जरूरी नहीं है। चलिए कृपया निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान से पढ़ें, केयरफुली ये आप पढ़ सकते हैं और ये देख सकते हैं COVID-19 इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप आपका क्या क्या लेके जाना है यहाँ पे दे रखा है, गेट बंद होने से पहले आपको पहुँच जाना है उम्मीदवार को। उम्मीदवार को जो एडमिट कार्ड का प्रिंट कॉपी नहीं ला रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा चीज़, जो कैंडिडेट मूल ID प्रमाण पत्र नहीं ले जाएंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगा। और उम्मीदवार ने प्रवेश पत्र रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर ये आपको लेकर जाना होगा। बाकी ये सब चीज़ दे रखा है तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दिया गया था 10-15 दिन पहले वो सही था या नहीं था। बाकी अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा तो वो वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।